SOS विलेज में एनिमेटेड कार्टून सीरीज की लॉन्चिंग के मौके पर मरूफ गुलकार शहजाद रॉय ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में अदाकारा रेशम और नूर, SOS विलेज की डायरेक्टर अलमास पाट, किन्नौर के सीनियर ब्रांड मैनेजर रहील पाशा, सीनियर मैनेजर जाहिद पाशा, कम्युनिकेशन हेड फरिश्ते असलम, दीगर शख्सियात और बच्चों ने कसी तादाद में शिरकत की। बच्चों को किन्नौर नूडल्स गैंग के एडवेंचर पर मबनी 3D एनिमेटेड कार्टून की दूसरी सीरीज भी दिखाई गई। ये एनिमेटेड कार्टून उर्दू में डब किए गए हैं ताकि तमाम बच्चे इनको बआसानी समझ सकें। कितनी बोरियत हो रही तकरीब में बच्चों की खुद एतमादी में इजाफे के लिए दो तस्वीरी किताबें प्लस का जादू और तुम बोलते क्यों नहीं भी पेश की गई, जबकि शहजाद रॉय ने बच्चों के इसरार पर एनिमेटेड कार्टून्स का टाइटल सॉन्ग भी गाया। तकरीब की ऑर्गेनाइजर फरिश्ते असलम का कहना है के एडवेंचर पर मबनी 3D कार्टून सीरीज और किताबों की SOS विलेज में लॉन्चिंग का मकसद बच्चों में मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देना है। SOS विलेज जो है वो बहुत अच्छा काम करता है थ्रू आउट पाकिस्तान और उनके स्कूल्स जो हैं वो एक लेवल ऑफ चिल्ड्रन को एजुकेशन देता है विच इज़ वॉट वी वॉन्ट कि सब बच्चे इससे बेनिफिट हों। तो अगर हम एक कार्टून सीरीज लाए हैं और किताब लाए हैं किन्नौर की तरफ से, तो यहाँ शुरू करने का मकसद ये है कि बच्चे इंजॉय करें और फिर उस टेलीविजन के जरिए पूरे पाकिस्तान को ये मिल जाए। SOS विलेज के बच्चों को एक बार फिर खुशियाँ समेटने का मौका मिला। वो फिल्मी सितारों के साथ घुल मिल गए और अपने मनपसंद कार्टून किरदारों को अपने सामने देखकर खुश हो गए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ फिजा नूर, सिटी 42, SOS विलेज।